नमस्ते प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल साबूदाने के बड़े। और ना ही इसमें आपको साबूदाना भिगोना है, ना आलू बॉईल करना है और ना ही तलना है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने 1.5 कप साबूदाना लिया है और ये छोटा वाला साबूदाना है। आप इसमें छोटा बड़ा कोई भी ले सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। और हमें इसको रोस्ट करना है, तो गैस जलाएंगे और पैन रखेंगे। पैन में हम ये साबूदाना डाल देंगे और इसको चलाते हुए रोस्ट करेंगे 3-4 मिनट के लिए। बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, लगातार चलाते हुए हम कर लेंगे। और ये हमारा रोस्ट हो चुका है, अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको पीसेंगे। तब तक हम आलू को घिस लेते हैं। 2 हमने आलू लिया है, इसका छिलका उतार के पानी में रख दिया था। और अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे और ये पतले वाले से ही करेंगे। और सारा हम कद्दूकस कर लेते हैं और पानी में करेंगे ताकि हमारा आलू काला ना हो। और देखिए ऐसे ही हम सारा कद्दूकस करते जाएंगे। ये हमारा कद्दूकस हो चुका है, अब हम इसको 2-3 पानी अच्छे से धो लेंगे ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। अभी हमारा धुल चुका है, अब हम इसको साइड करेंगे। और ये हमारा साबूदाना ठंडा हो चुका है, अब हम इसको मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। सारा डाल देते हैं और पीस लेंगे। देखिए हमारा पीस चुका है, अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। और इसको हमें छानना नहीं है, क्योंकि पूड़ी बनाते हैं तो उसमें छानना ज़रूरी होता है, इसमें छानने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने कद्दूकस किया था आलू। अब हम इसमें 1/2 कप सिंघाड़े का आटा डालेंगे। अब सिंघाड़े के आटे की जगह पे राजगिरा का आटा या कुट्टू का आटा ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक, हमने घिस लिया था डाल देंगे। और 3-4 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालेंगे। और व्रत में आप जो खाते हैं वही डालें, जो नहीं खाते हैं उसको स्किप कर दें। और 1/2 चम्मच हम डालेंगे जीरा। अब हम इन सबको थोड़ा सा मिला लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। दही से और भी स्वाद निखर के आता है, तो 4 चम्मच हम दही डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और नहीं चाहें तो हटा भी सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और ये व्रत का नमक है, सेंधा नमक। और अब हम 1 कप पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिलाते जाएंगे। अब हम हाथों से मिला लेंगे अच्छे से ताकि बढ़िया से हमारा मिल जाए। हमारा इसमें टोटल 2 कप पानी लगा है और देखिए थोड़ा सा पानी बचा है 1-2 चम्मच के करीब। अब हम चलिए इसके साथ खाने के लिए हम बनाएंगे खीरे का रायता। ये हमारा 1/2 खीरा है, इसका हमने छिलका उतार लिया है और इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। और आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर हमने बारीक बारीक काटा है, सारा काट लेंगे ऐसे ही। और अब हम 1/2 कप दही लेंगे और इसको थोड़ा फेंट लेंगे चम्मच से। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें जो हमने खीरा काटा था वो सारा डाल देंगे। और 2 हरी मिर्च डालेंगे और 1/4 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च पाउडर, यानी कि 1/4 चम्मच। और 1/4 टीस्पून ही डालेंगे हम जीरा, भुने जीरे का पाउडर है डाल देंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे व्रत का सेंधा नमक और इसमें 1/2 चम्मच शक्कर डाल के मिला देंगे। शक्कर से बहुत टेस्ट अच्छा आता है। और इन सबको मिक्स कर देंगे और ये हमारा खीरे का रायता बन के तैयार है। इसको हम 1 कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम चलिए साबूदाना बना लेते हैं। और इसे हमें कम तेल में बनाना है, तो इसको हम अप्पे में बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है मूंगफली का तेल। आप चाहें तो घी में बना सकते हैं, या फिर जो व्रत में ऑयल खाते होंगे, तेल खाते होंगे, वो उसके साथ बना सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद हम सारे खाने में डालते जाएंगे। अब हम सारे खानों में 1-1.5 चम्मच बेटर डालते जाएंगे। और ये बनाना बहुत आसान होता है, घंटों भिगोना भी नहीं है आपको। फटाक से पीसिए और सारा मसाला डालिए और बनाइए, बहुत आसानी से बन जाता है। और देखिए हमने सारे खानों में डाल दिया है
और 3-4 मिनट के लिए एक तरफ से सिकने देंगे, तो 3 से 4 मिनट के लिए सिकने देंगे मीडियम आंच पे, फिर पलट के हम दूसरी तरफ सेक लेंगे। और देखिए हमारा हो गया है, तो 3 से 4 मिनट एक साइड सेकेंगे और फिर दूसरी साइड भी हम 3 से 4 मिनट सेक लेंगे। और ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब हम ऐसे ही अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और ये देखिए हमारा सिक गया, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इन सबको निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही कम तेल में बन के तैयार हो जाता है। तो आपको अगर कम तेल खाना है तो ऐसे ही बनाएं। और फिर अब हम सारा ऐसे ही बना लेंगे। तो लीजिए हमारा साबूदाना बड़ा तैयार है, बिना साबूदाना भिगोए और बिना आलू बॉईल किए और बिना तले। ये हमारा साबूदाना बड़ा तैयार है और ये देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है। और अंदर से हम तोड़ के भी दिखाएंगे। ये देखिए कितना अच्छे से पक गया है। और ये साबूदाना बड़ा और इसके साथ में है खीरे का रायता, और दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि जिस किसी को भी आप खिलाएंगे तो उसके मुंह से वाहवाही निकलेगा। तो आप भी इस साबूदाने बड़े को बनाइए। आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल साबूदाने की पूरी और पराठे, और साथ में हम व्रत वाली चटनी भी बनाएंगे। बहुत ही आसान है और बहुत मजा आएगा बनाने और खाने में। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने 1 कप साबूदाना लिया है और ये बारीक वाला है। बारीक या मोटा कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और इसको हमने गीले कपड़े से पोंछ लिया था और सुखा लिया था। और अब हम इसको पैन में डाल देंगे, इसको रोस्ट करेंगे। और ये ज़्यादा देर तक नहीं करना है, करीब 4 से 5 मिनट में ये रोस्ट हो जाएगा। और इसका कलर भी नहीं चेंज करना है, हल्की आँच पर इसको भुनना है। और ये देखिए हमारा भुन गया। और अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो जाएगा फिर हम उसके बाद हम पीसेंगे इसको। देखिए हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको मिक्सर जार में डाल देंगे सारा और इसको पीस लेंगे। अब हम एक छन्नी लेंगे और इसको छान लेंगे अच्छे से। इसको छानना जरूरी है क्योंकि हम पूरी बनाएंगे ना, तो उसमें एक भी चंक्स नहीं आना चाहिए, एकदम बारीक बारीक होना चाहिए। तो अब हम इसको साइड करेंगे और अब हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। ये हमारे 3 आलू है मीडियम साइज के, और बारीक वाले से करेंगे ताकि एक भी चंक्स इसमें ना रहे। तो देखिए हमारा कद्दूकस हो चुका है। और अब हम साबूदाना जो हमने पीसा था उसमें डाल देंगे आलू, और उसके बाद हम मसाले डालेंगे। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको हमने घिस लिया था, डाल देंगे। और ये 3 से 4 हरी मिर्च है, इसको हमने बढ़िया से कूट लिया था, डाल देंगे। और ये 1/2 चम्मच जीरा है, डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और उसके बाद हम डाल देते हैं इसमें हरा धनिया, ये 1.5-2 चम्मच के करीब है, डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे और आलू में ही हम इसको अभी मिलाएंगे, उसके बाद हमें ज़रूरत लगेगी तो पानी डालेंगे। और ये देखिए हमने मैश कर लिया है, इसको अच्छे से मिला लिया है। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो अच्छा तैयार कर लेंगे। हमने 1 कप पानी लिया है, देखते हैं कितना लगता है। थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम आटा लगाते जाएंगे इसका, और हमें इसका सॉफ्ट डो लगाना है और एकदम आटे की तरह मुलायम होना चाहिए, तभी पूड़ी या पराठा अच्छा बनेगा। और ये देखिए ये हमारा आटा लग चुका है। अब हम इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे, ताकि और हमारा फूल जाए साबूदाना। ये हमने 1 कप पानी लिया था, 1/2 कप के करीब बचा है, और आगे और भी लगेगा क्योंकि अपने अंदर पानी सोख लेता है साबूदाना, तो टाइट हो जाएगा। तो उसके बाद हम और पानी लगा के आटा को मुलायम कर लेंगे। तो चलिए तब तक हम चटनी पीस लेते हैं जब तक रेस्ट हो रहा है। हमने 1 टमाटर लिया है, मिक्सर जार में डाल देंगे, और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है, डाल देंगे। और 3-4 हरी मिर्च है, इसको भी तोड़ तोड़ के डाल देंगे। और 1 मुट्ठी हरा धनिया है, इसको छोटा छोटा काट के डाल देंगे मिक्सर में। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/2 नींबू, 1/2 नींबू हम इसमें निचोड़ देंगे। नींबू डालिए तो चटनी खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार व्रत वाला सेंधा नमक, और इसको हम पीस लेंगे। और देखिए हमारा पीस चुका है। अब हम चटनी को कटोरी में निकाल लेंगे
और फिर अब हम चलते हैं आटा को चेक करने। और ये देखिए पहले से टाइट हो गया है, पहले से डो टाइट हो गया है, देखिए फट रहा है। तो इसको हम फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम मसल के मुलायम कर लेंगे। और ये वही पानी है जो हमारा आधा कप बचा हुआ था, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम सॉफ्ट कर लेंगे। और देखिए ये हमारा सॉफ्ट हो गया है, आधा कप से थोड़ा सा कम बचा है पानी। और अब हम परथन के लिए सिंघाड़े का आटा लेंगे। सिंघाड़े के आटे की जगह पे आप राजगिरह का आटा या फिर कुटू का आटा जो आप खाते हो ले सकते हैं। अब हम लोई बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा डो उसमें से लेंगे और लोई बना लेंगे सारा। और हम इसे बड़े नींबू के साइज का बनाएंगे। ये देखिए हमने लोई बना लिया। अब हम एक लोई लेंगे और इसमें ये जो हमने सूखा आटा लिया है वो लगा देंगे, और लगा के ऐसे हाथों से दबाएंगे। और उसके बाद हम चकला पे रख के उसको ऐसे हाथों से दबाते हुए हम फैलाएंगे। थोड़ा सा और सूखा आटा लगा लेंगे और देखिए ऐसे दबा दबा के हाथों से फैला लेंगे। अगर आप चाहो तो हाथों से ही फैला के आप पराठा बना सकते हैं, अगर बेलना नहीं चाहते हैं तो। देखिए आसानी से फैल जाता है, लेकिन हम थोड़ा इसको बेलेंगे, बड़ा करेंगे। तो इसको बेल लेते हैं बेलन से। देखिए हमने बेल लिया और देखिए कितना अच्छा पराठा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा फटा नहीं है, हल्का हल्का किनारे से फटा है। लेकिन आप ऐसे भी चाहें तो सेक सकते हैं, लेकिन हमने एक ढक्कन लिया है ताकि एकदम गोल शेप निकले इसका। तो ढक्कन से ऐसे दबाते हुए काट लेंगे। देखिए एकदम हमारा गोल परफेक्ट पराठा बनके तैयार है। अब हम ऐसे ही चार पांच बेल लेंगे पराठा और उसके बाद हम सेकेंगे। तो चलिए अब हम पराठा सेक लेते हैं। अब हम तवा गैस पर रखेंगे और उसको थोड़ा गर्म होने देंगे, एक डेढ़ मिनट के लिए गर्म होने देंगे। और उसके बाद हम ये पराठे डाल देंगे और एक साइड हम थोड़ा सिकने देंगे। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे पराठे को। और इस पराठे को थोड़ा सेकने में टाइम लगता है क्योंकि साबुदाना जल्दी सिकता नहीं है। दोनों साइड हमारी सिक गई, अब हम घी लगाएंगे इस पे। अब हम दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा देंगे और इसको सेक लेंगे बढ़िया से। तो दोनों तरफ से हम इसको सेक के गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और ये देखिए हमारा पराठा सिक गया, अब हम निकाल लेंगे और ऐसे ही हम दूसरा सेकेंगे। और देखिए ये कितना फूल के आया है पराठा, कोई दिक्कत नहीं होती है बनाने में, बहुत अच्छे से सिकता है और फूल जाता है। तो ऐसे ही हम सारा पराठा बना के तैयार कर लेते हैं। अब हम उसी आटे से पूड़िया सेक लेते हैं। तो चलिए अब हम एक लोई लेंगे और उसको ऐसे दबाते हुए बड़ा करेंगे। वैसे ही हम बेल लेंगे, सूखा आटा लगा के हम बेल लेंगे। और देखिए हमारा बेल चुका है। अब हम एक कटोरी लेंगे और पूरी के साइज का हम इसको काट लेंगे। देखिए ये कट गया, ये बचा हुआ किनारा हम वापस उसी आटे में डाल के बना लेंगे पूरी। तो सारा हम ऐसे ही पूरी बेल के तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं तलने। तेल हमने पहले से ही कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था और ये हमारा मूंगफली का तेल है। आप मूंगफली का तेल या फिर घी जो आप खाते हो व्रत में वो ले सकते हैं। और पूरी को तलने के लिए हमें अच्छा तेल गर्म होना चाहिए, तभी आपकी पूड़िया फूल के आएंगी। तो ये हमारा तेल अच्छा गर्म है, अब हम पूड़िया तेल में डाल देंगे और ऐसे धीरे धीरे दबाते हुए हम इसको फुलाएंगे। हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पे तलेंगे। अब देखिए कितना अच्छे से पूड़ी फूल के आ रही है ना, देख सकते हैं आप। और बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, पूरी सिक चुका है अच्छे से। अब हम इसको निकाल लेंगे और ऐसे ही हम सारा पूरी तलते जाएंगे। और ये देखिए हमने सारा तल लिया। तो लीजिए हमारे व्रत के लिए साबुदाने की पूरी और पराठे तैयार है। और देखिए हमने इसको व्रत वाली हरी चटनी और दही के साथ हमने सर्व किया है। आप चाहें तो इसके साथ खाने के लिए आलू टमाटर की व्रत वाली सब्जी भी बना सकते हैं। इसका वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जरूर चेक करें उसको। आप कुछ नया ट्राई करिए और इसे जरूर बनाइए। आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल राजगिरह के आटे से टिक्की। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी होता है। तो उपवास में हमें क्या चाहिए, यही तो चाहिए कि जल्दी बन जाए फटाफट। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा
9 से 10 आलू है, इसको हमने 2 सीटी लगा के बॉईल कर लिया था और इसका छिलका उतार लिया है। अब हम इसको कद्दूकस करेंगे, ये मोटे वाले से करेंगे, आप चाहें तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 5 से 6 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटा हुआ। और अब हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको हमने एकदम बारीक बारीक काट लिया है, डाल देंगे। और ये 1 से 2 चम्मच हरा धनिया डालेंगे। और अब हम ये आधा है नींबू, इसका हमने जूस निचोड़ लिया है, डाल देंगे, ऐसे 1 चम्मच है ये। और ये हम डालेंगे आधा कप भुनी हुई मूंगफली, इसको हमने 4-5 मिनट के लिए रोस्ट करके और हाथों से ऐसे रगड़ के छिलका उतार लिया है। और देखिए ये 2-2 टुकड़ा हो गया है। और इसको आप चाहें तो हल्का सा कूट भी सकते हैं, तो दांतों के नीचे आता है तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने थोड़ा खड़ा रखा है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए हमारा मिल गया अच्छे से। अब हम इसको साइड करेंगे और अब हम राजगिरा का आटा लेंगे, ये हमारा 200 ग्राम आटा है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे, 1/4 टीस्पून। ये हमने 1 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के इसका बेटर बनाएंगे। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा ऐसे डालते जाएंगे और अच्छे से गुठलियाँ ख़त्म होने तक इसको मिलाएंगे। और इसे हमें बहुत न ज़्यादा गाढ़ा चाहिए न पतला, मीडियम चाहिए हमें। और थोड़ा हम इसको मिक्सर से हम कर देंगे ताकि अच्छे से एकदम स्मूथ हो जाए। और इसमें लगभग 2 कप हमारा पानी लगा है, देखिए आप देख सकते हैं ऐसा ही हमें चाहिए। अब हम आलू का मसाला लेंगे और टिक्की बनाएंगे। देखिए ये बड़े नींबू के आकार का लेंगे हम और ऐसे गोल करेंगे और हाथों से ऐसे दोनों हाथों से दबाएंगे। और ये देखिए टिक्की बन गया हमारा, ऐसे ही हम सारा बना लेंगे। ये हमारा बन चुका, अब हम चलते हैं तलने। देखिए हमने कढ़ाई में पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। और ये हमारा मूंगफली का तेल है, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। और एक एक टिक्की इसमें डिप करेंगे इस बैटर में और एक एक तेल में छोड़ते जाएंगे। और अब हम इसको तल लेंगे बढ़िया से, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम तलेंगे। इसको तलने में 3 से 3.5 मिनट आपका लग जाएगा। और एक तरफ से हो गया है, हम इसको पलट देंगे और फिर हम ऐसे ही दूसरा वाला डाल लेंगे। और ये देखिए कलर चेंज हो गया है ऊपर का, अब देखिए इसका कितना बढ़िया कलर आ गया है। और अब हम इसको निकाल लेंगे, ये बहुत जल्दी बन जाता है, फटाफट बनने वाली रेसिपी है। तो ऐसे ही हम सारा तल लेंगे। तो देखिए हमारी उपवास स्पेशल राजगिरह की टिक्की बन के तैयार है और ये बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार बना हुआ है। इसको हमने दही के साथ सर्व किया है और व्रत वाले टोमेटो सॉस के साथ। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। और देखिए हम तोड़ के दिखाएंगे, देखिए कितना अच्छा पका हुआ है, एकदम मस्त है। तो आप जरूर इसे ट्राई करें। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट नमकीन और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। और एक बार बना के रख दीजिए और लंबे टाइम के लिए खाते रहिए व्रत में या फिर ऐसे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा 2 कप मखाना है और 1/4 कप काजू है और 1/4 कप किशमिश और 1/4 कप ही नारियल है हमारा, हमने इसको पतला पतला स्लाइस कर लिया है। और 1/4 कप बादाम है और ये सेंधा नमक है व्रत वाला और ये काली मिर्च है 1/2 चम्मच। अब हम चलते हैं गैस के पास, पैन रखेंगे और पैन में हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच घी और घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे 1 मिनट के लिए। अब ये हमारा घी गर्म हो गया, अब हम सबसे पहले डाल देंगे काजू और इसको लगातार चलाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। ये बहुत जल्दी भून जाता है, करीब आपको 1 मिनट लगेगा भूनने में। और ये देखिए हमारा भून के तैयार हो गया, अब हम इसको निकाल लेंगे, देखिए पहले से कलर चेंज हो गया है। और अब हम बादाम डाल के भून लेंगे और वैसे ही हम भून लेंगे, इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 ही मिनट लगता है भूनने में। और अब हम निकाल लेंगे, भून चुका है ये भी। अब हम नारियल को डाल के भून लेंगे
लगातार चलाते हुए। ये हमारा सूखा नारियल है जिसको हम गरी बोलते हैं, नारियल का गोला जो आता है ना वही है। और ये भी 1-1.5 मिनट भूनते हुए हो गया। अब हम निकाल लेंगे इसको। और ये हमारा भून चुका है। अब हम भूनेंगे मखाना, तो सारा पैन में डाल देंगे और फिर लगातार चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। इसको थोड़ा 2-2.5 मिनट लगेगा भूनने में। और ये जब भून जाएगा तो कुरकुरा हो जाएगा। देखिए लगभग 2 से 2.5 मिनट हो गए हमारे भूनते हुए और अच्छे से भून चुके हैं। देखिए कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश। हमने किशमिश भुना नहीं था, आप चाहें तो भून सकते हैं, क्योंकि हमें लंबे टाइम तक रखना है तो बिना भुने ही अच्छा रहता है। 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली है, ये भी डाल देंगे। और कोई भी ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं, और जो जो पसंद है वो डाल सकते हैं, जो नहीं है वो निकाल सकते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, ये व्रत का नमक है, डाल देंगे। और डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और फिर अब हम इन सबको मिला लेंगे अच्छे से। और अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा चाट मसाला डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। हमने ये व्रत के लिए बनाया है तो नहीं डाला है। तो अब हम सारा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम सर्व कर लेंगे। लीजिए हमारा ड्राई फ्रूट नमकीन तैयार है। आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर छोटी मोटी भूख लगी हो तो उसमें आप खा सकते हैं, उसके लिए परफेक्ट रहता है। और ड्राई फ्रूट से बना है तो हेल्दी भी है, और ये बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो जब भी मन करे आपका ये बनाएं और खाएं, और हमें कमेंट में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।